Hello everyone, today we will start with the Democratic Resurgence chapter from class 12 political science. This is that same chapter, the crisis of democratic order. Fine, while discussing this chapter, we will first cover the new topics added by the CBSE. This is part 1 and in this first part, we will discuss about Jayaprakash Narayanan. Let's start. Now see here, these are the new topics added by the CBSE in this particular chapter. First we will discuss Jayaprakash Narayanan and about his total revolution. And after that, in second part, we will discuss about Ram Manohar Lohia and about his socialism ideology. And then Deen Dayal Upadhyay and about his integral humanism thought. Okay, then three topics ko hum detail mein discuss karenge. And after that, jo crisis of democratic order. वहाँ उसमें जो भी कंटेंट अवेलेबल है रिगार्डिंग द नेशनल इमरजेंसी दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. जयप्रकाश नारायण दैट इज द पीपल्स लीडर और वी कॉल इट लोकनायक, शॉर्ट में हम जेपी कहते हैं. इनका बर्थ बिहार स्टेट में हुआ था इन 1902 दैट इज 1902. देन अक्टूबर 1979 में इनकी डेथ हुई थी. स्कूलिंग की बात करें तो उन्होंने स्कूलिंग अपना बिहार स्टेट में किया था और हायर एजुकेशन के लिए वो 1920 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गए थे. ओके, और वहाँ पर अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए जो फीस पे करना था वो उन्होंने बहुत मुश्किल से स्मॉल स्मॉल जॉब्स जो वहाँ पर जो भी उन्हें मिला था उन्होंने वो काम करके वहाँ उसकी फीस की पेमेंट करी थी. फॉर एग्जांपल ही वर्क्ड इन अ फैक्ट्री जहाँ पर वो फ्रूट्स का पैकिंग का काम करते थे. देन डिशेस वॉश करना वो काम भी किया था. ही वर्क्ड एज अ मैकेनिक ऑल्सो. तो जितने भी स्मॉल जॉब्स अवेलेबल थे वो चीज़ उन्होंने करके अपनी फीस की पेमेंट करी थी. फाइन, और उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो उन्होंने काम किया था तो वहाँ पर उन्होंने रियलाइज़ किया कि किस तरीके से वर्कर्स जो है वो क्या कैसे डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं वाइल डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ वर्क. और वहाँ पर ही अपने हायर एजुकेशन में उन्होंने कार्ल मार्क्स के बारे में, कार्ल मार्क्स वन ऑफ द फेमस पोलिटिकल थिंकर फ्रॉम जर्मनी, उनके थियोरी के बारे में उन्होंने पढ़ा था. दास कैपिटल बुक में उनका सारा मार्क्सिज्म, उनके थाट्स लिखा हुए, तो वो सारा उन्होंने पढ़ा था. एंड ही वॉज सो इंस्पायर्ड एंड सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिज थाट. तो मार्क्सिज्म के प्रति वो उनका अटैचमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड. और वहीं पर ही पढ़ते टाइम 1917 में जो रशिया में दैट इज दैट टाइम USSR वहाँ पर जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट किया, उसके बारे में न्यूज़ उन्होंने देखा और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि दैट यहाँ पर जो भी रशियन रेवोल्यूशन में जो हो रहा था उनके बेसिकली जो मासेस को हम फ्री कर सकते हैं, उनके मासेस के सफरिंग, लोगों के जो दुख है उसे हम बेसिकली ख़त्म कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्सिज्म. इस तरीके से इनका जो अटैचमेंट था टुवर्ड्स द मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी दैट इंक्रीज्ड अ लॉट इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड. फाइन, और लेट 1929 में वो वापस इंडिया आते. और इंडिया आने के बाद ऑफकोर्स 1929 की बात कर रही हो, इट इज़ दैट फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट इन इंडिया. ओके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वगैरह उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 1930s के टाइम पीरियड में हुए थे. फाइन, और उन सारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में स्ट्रांगली उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. और जवाहरलाल नेहरू एट दैट टाइम उन्होंने इन्वाइट किया था जयप्रकाश नारायण जी को कि वो कांग्रेस का पार्ट बने. ही विद द इन्विटेशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू ही ज्वाइंट इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी. फाइन, और ज्वाइन करने के बाद इस पर्टिकुलर पार्टी के अंदर, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो महात्मा गांधी के बेसिकली उनके जो आइडियोलॉजी है उससे इंस्पायर होते. दैट मीन्स अब वो मार्क्सिस्ट बन के आए थे फ्रॉम USA. अब वो गांधी के जो आइडियोलॉजी है नॉन वायलेंस, उनको जिस तरीके से वो मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करते उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे और महात्मा गांधी उनके मेंटर बन चुके थे. फाइन, और स्लोली एंड ग्रेजुअली इन सारे नेशनल मूवमेंट में बार बार ऐसा हुआ कि उनको जेल जाना पड़ा बिकॉज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था. 1932 में बहुत सारे लीडर्स को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट किया था ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उसमें जयप्रकाश नारायण जी को भी अरेस्ट किया था. ही वेंट टू जेल. वहाँ जेल में बहुत सारे और इम्पोर्टेंट लीडर्स को भी ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया था और उसमें राम मनोहर लोहिया जी भी थे. फाइन, और वहाँ पर ही उन्होंने लाइक रियलाइज़ किया कि दैट
विद इन द कांग्रेस पार्टी जो उनकी आइडियोलॉजी है, दैट इज उनका आइडियोलॉजी क्या है, मार्क्सिज्म के प्रति बहुत ज़्यादा लाइक इंक्लिनेशन है. एट द सेम टाइम जो सोशलिज्म प्रिंसिपल में बहुत ज़्यादा उनका इंक्लिनेशन था, तो दे डिसाइडेड जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और जितने भी इनके जैसे सेम आइडियोलॉजी के मेंबर्स जो जेल में थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि विद इन द कांग्रेस पार्टी हमारा जो आइडियोलॉजी के बेसिस पे हमें अपना एक खुद का पार्टी एस्टैब्लिश करना चाहिए. फाइन. और फिर वो जेल से बाहर आने के बाद 1934 में विद इन द कांग्रेस पार्टी जो इस पर्टिकुलर सेक्शन का ये जो फैक्शन जो था जिसमें लेफ्ट विंग के आइडियोलॉजी के लोग थे, इन सब ने मिल के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी विद इन द कांग्रेस पार्टी एस्टैब्लिश किया था. सो दिस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1934 और ये 1948 तक था विद इन द कांग्रेस पार्टी. लेटर ऑन कांग्रेस से अलग हो गए थे, बाद में इनका दूसरे पार्टी के साथ मर्ज हुआ, देन इट बिकेम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी. ओके. तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकली जो बैकग्राउंड जो था वो चीज़ हो गया. फाइन. अच्छा, अब इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट जो था उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया था एंड ही इज़ रिगार्डेड एज दी हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट. अच्छा, एक चीज़ नोटिस करना, दैट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो फॉर्म हुआ था उस पार्टी के जो बेसिकली प्रोमिनेंट लीडर जो थे, जिसका प्रेसिडेंट बने थे, दैट वाज आचार्य नरेंद्र देवा. ओके. और जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो बेसिकली कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने थे. ओके. नाउ इंडिपेंडेंस के बाद हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था 1952. उस इलेक्शन में बेसिकली जवाहरलाल नेहरू जी ने जयप्रकाश नारायण जी को इनवाइट भी किया था टू बी द मेंबर ऑफ द कैबिनेट, बट जयप्रकाश नारायण जी ने बिल्कुल मना कर दिया था बिकॉज ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द पोस्ट, कि किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए उन्हें कोई अटैचमेंट नहीं था. ही वॉज प्रोवाइडिंग सेल्फलेस सर्विस टू द सोसाइटी, तो वो बहुत ज़्यादा किसी पोस्ट के लिए लाइक उनकी कोई अटैचमेंट नहीं था, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं था, तो उन्होंने वो उस चीज़ को मना कर दिया था. फाइन. एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली ही वॉज यू नो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द वन इम्पॉर्टेंट मोमेंट लेड बाय आचार्य विनोबा भावे. 1951 में आचार्य विनोबा भावे बेसिकली एक ऐसे पर्सन थे जो बहुत ही ज़्यादा नॉन वायलेंस को प्रमोट करते थे एंड एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे. फाइन. उन्होंने 1951 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसको हम कहते हैं भूदान मूवमेंट, और वी कॉल इट लैंड गिफ्ट मूवमेंट. लेट मी शो द पिक्चर. दिस इज आचार्य विनोबा भावे. नाउ भूदान मूवमेंट जो आचार्य विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया था इन 1951, दैट वॉज एक्चुअली स्टार्टेड इन द तेलंगाना स्टेट. आज का जो तेलंगाना स्टेट है वहाँ पर स्टार्ट किया था. यहाँ पर देखो, ये भूदान यहाँ पर टाउन में स्टार्ट किया था एंड दैट्स वाई वी कॉल इट भूदान मूवमेंट. और भूदान मूवमेंट का बेसिकली मेन पर्पज़ क्या था, इट्स बेसिकली लैंड गिफ्ट मूवमेंट. ओके. ये एक वॉलेंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट था जिसमें वो आचार्य विनोबा भावे डिफरेंट प्लेस वहाँ उस पर्टिकुलर लोकेशन से और डिफरेंट प्लेस तक वो और लोगों के साथ वहाँ जाते थे, और जो लैंड ओनर्स हैं, जो बहुत बड़े ज़मींदार हैं, उन्हें वो मोटिवेट करते थे, परसुएट करते थे कि दैट कि वो वॉलेंटरीली कुछ परसेंटेज ऑफ लैंड जो है वो लैंडस पीपल को दान दें. फाइन. बेसिकली सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है उसे हम ख़त्म कर सकें, और वो लैंड जो लैंड उनके पास ज़्यादा है वो लैंडलेस लोगों को लैंड प्रोवाइड करें ताकि उनका भी वेलफेयर हो. तो एक वॉलेंटरी लैंड रिफॉर्म करने का एक मूवमेंट था, और इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं. फाइन. और ये स्टार्ट किया था, और जो जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो 1954 में, ये जो मूवमेंट चल रहा था भूदान मूवमेंट, 1954 में उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि दैट ये जो पूरी एक्टिव पॉलिटिक्स है उसे वो छोड़ देंगे, पॉलिटिक्स में ऐसा वो एक्टिवली पार्टिसिपेट अब नहीं करेंगे, और वो बेसिकली इस भूदान मूवमेंट का पार्ट बनेंगे. फाइन. और उनका ये मानना भी था कि दैट स्पेशली 1957 के बाद उन्होंने ये कहा था कि दैट कि इंडिया में पार्टी पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, एंड इंडिया में पार्टी पॉलिटिक्स बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है. और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उन्होंने फिर ये प्रमोट भी किया था कि दैट पार्टी लेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए.
फाइन, और ये इस तरीके से वो एक्टिव पॉलिटिक्स का जो पार्ट जो थे वो बेसिकली इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो जाते हैं और भूदान मूवमेंट का पार्ट बनते हैं। एंड लेटर ऑन 1970s के टाइम पीरियड में, दैट इज 1973 एंड 74 टाइम पीरियड में गुजरात में मूवमेंट होते हैं, देन बिहार में मूवमेंट होता है अगेंस्ट द राइजिंग प्राइसेस, अगेंस्ट द करप्शन, अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, स्टूडेंट्स के मूवमेंट्स होते हैं बेसिकली। तो वहाँ पर स्पेशली बिहार में बहुत ही स्ट्रांगली वो पार्ट लेते हैं, अभी जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं उन्हें इन्वाइट करते कि वो इस मूवमेंट का लीड कर, इस मूवमेंट को लीड करें, फाइन। और उसका वो अगेन एक्टिव पॉलिटिक्स से अब वो वापस एक काइंड ऑफ बिहार मूवमेंट के टाइम पे वो अगेन एक मूवमेंट में वो पार्टिसिपेट करते हैं, फाइन। और उस मूवमेंट के वजह से ये होता है कि दैट बिकेम वन ऑफ द कॉज जिसके वजह से इंदिरा गांधी जो थी वो इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर करती है। बहुत सारे और कॉजेज होते हैं बट जो जयप्रकाश नारायण जी ने जो बिहार में मूवमेंट का जिस तरीके से उस मूवमेंट को लीड करते हैं वो भी एक रीज़न बन जाता है फॉर डिक्लेयरिंग द इंटरनल इमरजेंसी इन 1975 बाय देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। ओके, ये एक पिक्चर आप देख सकते हो रिलेटेड टू भूदान मूवमेंट, दिस इज विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। नाउ इनके की कंट्रीब्यूशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ थ्री इंपॉर्टेंट की कंट्रीब्यूशंस है जयप्रकाश नारायण जी का। फर्स्ट वन, फाइट अगेंस्ट करप्शन। सेकेंड वन, ही प्रोवाइड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म। एंड देन थर्ड वन, चैम्पियनिंग ऑफ टोटल रेवोल्यूशन। तीनों डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले फाइट अगेंस्ट करप्शन। देखो, इंडिपेंडेंस के बाद ये एक ऐसे फर्स्ट लीडर इमर्ज हुए थे, यू नो, हु वाज एक्चुअली फॉट अगेंस्ट द करप्शन, फाइन। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था 1973 और 1974 टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा मूवमेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे गुजरात में और बिहार में, दोनों ही जगह पे स्टूडेंट्स के थ्रू स्टार्ट हुआ था और बिहार में जयप्रकाश नारायण जी का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था, फाइन। और उसमें जो इश्यूज जो थे बहुत सारे थे, स्पेशली लाइक इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर जो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो रहे थे उस टाइम पे इंडिया का, और जो प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे, इन्फ्लेशन बहुत हाई था, एंड देन अनएम्प्लॉयमेंट वॉज वेरी हाई, कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस नहीं थे तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, एंड एट द सेम टाइम करप्शन बहुत ज़्यादा थे, तो स्पेशली करप्शन भी बहुत बड़ा इशू था जिसके अगेंस्ट जो मूवमेंट में लोगों का फोकस था कि करप्शन को इराडिकेट करना है, फाइन। और उसमें जयप्रकाश नारायण जी ने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, इस पर्टिकुलर ऑफिस के लिए सपोर्ट किया था, दैट इज़ द ऑफिस ऑफ लोकपाल। नाउ लोकपाल मीन्स वॉट? इट मीन्स एन एंटी करप्शन अथॉरिटी, एक इंडिपेंडेंट करप्शन के अगेंस्ट एक अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना, और ये चीज़ बेसिकली ताकि जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स जो है, जो करप्शन रिलेटेड कोई मैटर्स होते हैं उनको वो इंडिपेंडेंटली उन केस, उन मैटर्स को डील कर सके, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो या फिर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के हो या कोई और पब्लिक अथॉरिटी के हो, वेद इट्स सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेवल के लिए लोकपाल होता है, और स्टेट का ऐसे ही स्टेट लेवल में जो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं और चीफ मिनिस्टर और जो बाकी पब्लिक अथॉरिटी के पर्सन होते हैं उसके लिए लोक आयुक्ता है। ओके, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये ऑफिस के लिए उन्होंने सपोर्ट किया था, बट पार्लियामेंट में इसके रिगार्डिंग बहुत बार बिल भी प्रेजेंट किया था बट कहीं पास नहीं हुआ, कभी लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, देन इट वेंट ऑन लाइक दिस केस वेंट ऑन फॉर सो मेनी ईयर्स, और फाइनली जाके 2011 में अन्ना हजारे जी का मूवमेंट होता है, और फिर उस मूवमेंट के बाद 2013 में लोकपाल लोकायुक्ता एक्ट ऑफ 2013 केम इनटू एग्जिस्टेंस, और अब जाके ये ऑफिस ऑफ लोकपाल एग्जिस्टेंस में आया। ओके, और ये चीज़ उन्होंने उस टाइम पे ही सपोर्ट किया था कि ऐसा ऑफिस होना चाहिए, फाइन। नाउ रिगार्डिंग दिस कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, नाउ रिगार्डिंग इस प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, देखो कम्युनिटेरियनिज्म ये होता है कि वो ये एम्फसाइज करता है कि दैट देर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, कि जो समाज में लोग हैं उनके बीच में और एक इंडिविजुअल के बीच में बहुत ज़्यादा कनेक्शन होते हैं, किसी भी पर्सन का जो सोशल आइडेंटिटी और पर्सनालिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी से, कम्युनिटी के रिलेशन के वजह से वो मोल्ड होती है, फाइन। और इस चीज़ को बेसिकली इसके बारे में जो बात करते हैं दैट इज़ द कम्युनिटेरियनिज्म प्रिंसिपल। और सोशलिज्म जो होता है, सोशलिज्म ये कहता है कि एक ऐसी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थियोरी होती है
जो ये कहता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होगा, जो भी देश में प्रोडक्शंस होते हैं और उसके डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक्सचेंज वगैरह होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, वो यहाँ पर कम्युनिटी एज अ होल उनको ओन करना चाहिए. फाइन, नॉट बाय दी एनी प्राइवेट एंटिटी. ओके, कैपिटलिज्म नहीं. और यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जो कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, ये कहते हैं कि इंडिया एक ऐसी सोसाइटी ऑफ कम्युनिटीज़ है जिसमें तीन इम्पॉर्टेंट लेयर्स है. फर्स्ट वन कम्युनिटी, सेकेंड वन फिर उसके बाद कम्युनिटी आ गया, उसके बाद एक रीजन आता है, उसके बाद एक राष्ट्र आता है. और तीनों ही लेवल पे कंबाइन थ्री, ऑल थ्री ऑफ देम टुगेदर, एक बहुत ही एक अच्छा एक ट्रू फेडरेशन फॉर्म होता है. एंड ऑफकोर्स तीनों ही लेवल पे उनका एक इंडिविजुअल लेवल पे उनके पास उतना फ्रीडम भी होना चाहिए. फाइन, और ये है बेसिकली कम्युनिटेरियन सोशलिज्म प्रिंसिपल्स के बेसिस पे. और वो ये भी कहते हैं कि जो इन तीनों लेवल पे, दैट इज़ यू नो बेसिकली इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड स्टेट, इन तीनों लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए सोसाइटी में. इंडिविजुअल लेवल पे, दैट इज़ इंसान के लेवल पे, देन सोसाइटी के लेवल पे, देन स्टेट के लेवल पे, तीनों ही लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस होनी चाहिए. और उनका ये मानना था कि ये चेंजेस, ये ट्रांसफॉर्मेशन टोटल रेवोल्यूशन के थ्रू ही हो सकता है. और यहाँ पर वो स्पेशली जो बिहार में मूवमेंट होता है 1974 के टाइम पीरियड में, वहाँ पर ये पूरा वो सपोर्ट करते हैं कि हम टोटल रेवोल्यूशन का सपोर्ट करते हैं, संपूर्ण क्रांति. देखो, थोड़ा सा मैं बिहार मूवमेंट का आपको थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ. 1974 के टाइम पीरियड में बिहार गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट करते, और वहाँ पर वो मेन जो इशू होते, दैट इज़ अगेंस्ट दी राइजिंग प्राइसेस, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे इश्यूज होते हैं. ओके, और वो जयप्रकाश नारायण जी को भी इन्वाइट करते कि दैट ई शुड लीड दिस मूवमेंट. ऑफकोर्स वो एज आई मैंशन अर्लियर बुदान मूवमेंट से एसोसिएटेड थे. 1954 के टाइम पे वो उन्होंने डिसाइड कर लेते कि अब वो बुदान मूवमेंट का पार्ट बनेंगे, और एक्टिव पॉलिटिक्स से वो हट चुके थे. तो अब वो 1970s के टाइम पीरियड में जब ये मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं, तो वो एक्टिव पॉलिटिक्स से जो हट चुके थे, अब वो वापस पॉलिटिक्स में आते हैं. और फिर वो ये कहते हैं कि देखो, ये मूवमेंट एक तो नॉन वायलेंस से होना चाहिए, एट द सेम टाइम ये सिर्फ बिहार में ही नहीं होना चाहिए, दिस मूवमेंट शुड स्प्रेड टू डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल. ओके, और यहाँ पर इनका डिमांड ये होता है कि जो बिहार की सरकार है, गवर्नमेंट, दैट विधानसभा, इट शुड बी डिसॉल्व. सरकार को डिजाइन करना होगा, बिकॉज द प्राइसेस आर वेरी हाई, अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर, करप्शन इज मोर, तो दे डोंट डिजर्व टू बी देयर इन द गवर्नमेंट. तो उनको डिसॉल्व करने का डिमांड होती है. और बिहार में भी, गुजरात में भी, और सेंटर में भी, तीनों ही जगह पे जो गवर्नमेंट होती है, दैट इज कांग्रेस पार्टी की होती है. ओके, और यहाँ पर वो डिमांड करते कि बिहार की गवर्नमेंट को डिसॉल्व होनी चाहिए, तो वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट मानती नहीं है. देन लेटर ऑन ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसके वजह से जयप्रकाश नारायण जी और बाकी जो मेंबर्स हैं जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, दे स्टार्टेड डिमांडिंग दी रेजिग्नेशन ऑफ इंदिरा गांधी. बिकॉज देर आर मेनी इंसिडेंट, जब हम नेशनल मूवमेंट को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. ओके, तो उनका मेन फोकस नॉट जस्ट यू नो डिसॉल्विंग द बिहार गवर्नमेंट, अब उनका था कि इंदिरा गांधी को पावर से हटाओ, इंदिरा हटाओ. फाइन, और ऐसे टाइम पीरियड में वो ये डिमांड कहते हैं कि दैट टोटल रेवोल्यूशन होना चाहिए. जिसे उनका एक लाइनिंग में बताती हूँ, दिस इज़ अ रेवोल्यूशन फ्रेंड. वो कहते हैं कि 5th जून 1954 में बेसिकली गांधी मैदान पटना में जब वो पूरे क्राउड को एड्रेस कर रहे थे, जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने ये कहा था दैट दिस इज़ अ रेवोल्यूशन फ्रेंड्स, एंड वी आर नॉट हियर मेयरली टू सी द विधानसभा डिसॉल्व. फाइन, एंड उनका ये कहना था कि ये विधानसभा डिसॉल्व तो होना चाहिए, ये एक ऐसा एक छोटा सा स्टेप है, क्योंकि 27 years आफ्टर, यू नो 27 years हो चुका है इंडिपेंडेंस लेकर, बट यहाँ पर जो लोग जो है अभी भी बहुत भूखे हैं, और प्राइसेस इतनी ज़्यादा है, करप्शन इतना ज़्यादा है, तो दिस इज़ अ इनजस्टिस. तो हमें टोटल रेवोल्यूशन करना है, एंड टोटल रेवोल्यूशन ही हम चाहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं. एंड टोटल रेवोल्यूशन हियर मीन्स हर तरीके से, डिफरेंट एंगल्स में, हर जगह पे रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन होने की ज़रूरत है. जैसे यहाँ पर देखो, ये 6 angles से आप इसको ध्यान से देखो. फर्स्ट वन, मॉरली, मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होने की ज़रूरत है. नाउ मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन हियर मींस व्हाट, दैट कि जो इंसान है वो बेसिकली मॉरली अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करे, कि वो सोसाइटी के वेलफेयर की बात करे. इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेल्फ वेलबींग, सेल्फ
सेल्फिश नहीं होना चाहिए. ही शुड बी यू नो थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल. एंड सेकेंड वन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक इस सेंस में कि जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली इन इक्वालिटी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस, दैट शुड बी रिमूव्ड. एंड देन पॉलिटिकली, पॉलिटिकली मैं अभी डिस्कस करूँगी, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. एजुकेशनली, एजुकेशनली हियर मीन्स दैट ऐसे एक एजुकेशन सिस्टम हो जिससे ऑफकोर्स एक इंसान का माइंड भी डेवलप हो, मॉरल भी, मोरालिटी भी उसकी अच्छे से डेवलप हो और वो दूसरों का वेलफेयर की फोकस करे. एंड ऑफकोर्स एट द सेम टाइम ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसमें उसको कुछ ऐसी स्किल इन्हांस हो जिससे वो जॉब ले सके और देश का इकोनॉमी भी अच्छे से डेवलप हो. ओके, तो ऐसी एजुकेशन जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता हो. एंड कल्चरल, जिसमें हम अपनी यूनिक कल्चर को प्रोटेक्ट करें, ऐसा नहीं कि हम अपनी यूनिक कल्चर से दूर अट जाएं. एंड इकोलॉजिकल मीन्स ऐसी डेवलपमेंट हो ऑफकोर्स दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट शुड बी बैलेंस्ड, इट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर. ओके, तो यहाँ पर जो भी हम रिसोर्स यूज़ करते हैं दैट शुड बी यूज इन सच अ मैनर कि दैट फ्यूचर के लिए भी रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए एंड एनवायरमेंट भी बैलेंस करके आपको यूज डेवलपमेंट करना होगा. दैट वी कॉल इट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. फाइन, एंड देन सी हियर दिस वन, पॉलिटिकल. पॉलिटिकल में क्या वहाँ पर ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, दैट वी शुड हैव दिस वन, दिस राइट टू रिकॉल. राइट टू रिकॉल मीन्स हमने जिसको इलेक्ट किया था एंड इफ दैट पर्सन इज नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली देन वी शुड हैव दिस राइट कि हम उसे वापस उसे पोस्ट से हटा सके. दैट थिंग शुड बी देयर. वो एक ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पर पॉलिटिकल लेवल पर होना चाहिए. एंड देन द विलेज समिति, दैट इज विलेज मोहल्ला समितीज, वहाँ पर उनके पास विलेज लेवल पे जो मोहल्ला समितीज़ है उनके पास इतना पावर होना चाहिए कि दैट उस पर्टिकुलर लेवल पे वो अपना खुद से इंडिपेंडेंटली कुछ डिसीजंस ले सके उस पर्टिकुलर लेवल पे. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, बेसिकली यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है. ओके, और उनका ये मानना था कि जो ऊपर के लोग हैं, दैट इज़ जो हायर लेवल पे अथॉरिटी मेम्बर्स हैं, दे शुड यू नो टेक पार्ट इन दिस पॉलिटिकल स्ट्रगल. कि अगर हमें पॉलिटिक्स को क्लीन करना है तो ऊपर के लोग जो है, दैट इज़ द हायर अथॉरिटी पीपल, उनको इन इस पॉलिटिकल स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करना होगा एंड इन ऑर्डर टू क्लीन दिस पॉलिटिक्स. बिकॉज अल्टीमेटली जो करप्शन होती है वहाँ कहीं ना कहीं आप जो ऊपर के आई मीन द टॉप लेवल शुड बी क्लीन फर्स्ट एंड दे शुड पार्टिसिपेट इन दिस क्लीनिंग प्रोसेस. तो वहाँ पर हम सिस्टम को हम अपना ठीक कर सकते हैं. ओके, तो ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट टोटल रेवोल्यूशन की बात करें, दैट संपूर्ण क्रांति. फाइन, और उनका ये भी मानना था कि दैट जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं दैट शुड रिवॉल्व अराउंड मैन हु कुड बी द रियल कैटलिस्ट फॉर चेंज इन इंडिया. तो यहाँ पर जो इंसान है स्पेशली, वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होना चाहिए बिकॉज एक इंसान ही ऐसा है जो हर एंगल में पूरा एक रियल चेंजेस ला सकता है इंडिया में. ओके, तो ये था रिगार्डिंग ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट जो भी CBSE ने प्रोवाइड किया है उनके आइडियोलॉजी के बारे में और उनके बैकग्राउंड के बारे में जो हमें पढ़ना था. ओके, इन सेकेंड पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट राम मनोहर लोहिया. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यू कैन डाउनलोड दिस PDF फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल. थैंक यू.